दूसरे दुआए ज़ियारत सलामुल्लाह कामिल तामु शामिल 15 शाबान को इसे नजरअंदाज न कीजिए, और तीसरी ज़ियारत आले यासीन, जिसके बारे में उन उलमा जिनका स्पेशलाइजेशन था कि ग़ैबत कुबरा में इमाम से मुलाकात किस तरह हो, और अगर किसी वजह से हम इमाम से मुलाकात न कर पाए, यानी हमारी कोई रूहानी खराबी, तो कम अज कम इमाम हमारे घर और इज्तिमा में आ जाए। जिन्होंने इस मौजू पे स्पेशलाइजेशन किया, जिनकी जिंदगी इस तहकीक में गुजरी, उनका कहना कि ज़ियारत आले यासीन से ज्यादा हमने और कोई ज़ियारत मुजर्रब नहीं पाई। मुजर्रब का मकसद हमारा खुद तजुर्बा, कि जहां ये ज़ियारत पढ़ी जाती या वहां ज़ियारत इमाम रूबरू मिल जाती, या कम अज कम इमाम वहां इस तरह तशरीफ लाते कि जो रूहानियत वाला हो गुनाह से पाक, वो महसूस कर लेता है कि इस इज्तिमा कोई आया, पता नहीं चलता कौन आया, मगर खुद ब खुद इज्तिमा की नूरानियत बढ़ जाती। ज़ियारत आले यासीन, इमाम जमाना की ये ज़ियारत हमारे यहां बहुत कम राइज है, लेकिन फजीलत और इस हवाले से कि क्या इमाम से तुम बराह रास्त मिलो, इतने सारे लोग जो इमाम से मिले वाकयात से किताबें छलक गई, वो कौन सा अमल करके मिले। ठीक है, मराजी और मुश्तहदीन के को तो एग्जाम की उनकी उनका अपना ओहदा इतना बड़ा, जो आम आदमी मिलते, सब्जी फरोश का वाकया, कपड़ा फरोश का वाकया, पार्चा फरोश, कसाई का वाकया, मस्जिद के खादिम का वाकया है कि इमाम से मिले, तो वो कौन सा अमल जो यह इमाम से फैला देता है, या कम अज कम इमाम को आपके घर में ले आता, चाहे महसूस ना हो लेकिन एक रूहानी, वो ज़ियारत आले यासीन। तो इमाम मजलूम की ज़ियारत वारिसा के साथ खास 15 शाबान की एक ज़ियारत है, वो मफातीह, और इमाम जमाना की जो मखसूस दो ज़ियारतें सलामुल्लाह कामिल तामु शामिल मफातीह है, और ज़ियारत आले यासीन ये शायद मफातीह में नहीं। ये दो खसूसी ज़ियारतें, और आखिरी